चंडीगढ़ के राम दरबार में नगर निगम की टीम ने बाजार में पीला पंजा चला दिया है। यहां 40 साल पुरानी बनी बाजार को तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। निगम का कहना है कि इस बाजार की दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी गई थी, जिन्हें आज निगम की टीम ने अपना JCB का पंजा चलाकर तोड़ दिया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने बताया है कि निगम की तरफ से बिना नोटिस दिए ही इस तरह की कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई से पहले दुकानदार को इसके लिए सूचित किया जाना चाहिए था, ताकि दुकानदार अपने सामान को कहीं और शिफ्ट कर सकते थे। नगर निगम की इस कार्रवाई के लिए दुकानदार ने इलाका पार्षद को जिम्मेवार ठहराया है। दुकानदार प्रहलाद का कहना है कि पार्षद ने जानबूझकर त्योहारों के समय पर ये कार्रवाई करवाई है। 40 सालों से बनी इस मार्केट में पहले कभी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब निगम की टीम ने लोगों की दुकानों के अंदर जो सामान रखा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या नाम है जी आपका? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, ये आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी, आपको बताया गया था पहले? किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, ये तो चुपके चोरों की तरह, प्रशासन के चोरों की तरह नोटिस तो देते हैं किसी को, भाई खाली होनी है जगह, अगले अपने सामान उठा के बचा लेते हैं। ये तो कोई जोरदबस्ती तो किसी की नहीं थी, प्रशासन के साथ ही हम सभी, प्रशासन आके बोलता कोई नोटिस देता अपना सभी खाली। MC द्वारा बताया जा रहा है कि 40 साल पुराना ये कब्जा है। तो बस सुबह उठ के बंदे आए, अचानक हुआ है। अच्छा, ये सामने हटाया गया है, अभी विरोध कर रहे हैं, आपकी चीज का विरोध कर रहे हैं। अलॉटमेंट दुकान है, उसमें भी हाँ जी, जो पक्की दुकान है उसका भी सीधा फोड़ दिया है। अच्छा, अब जिसका सामान है, अगले कीमती सामान है, डाटा है, कुछ है, ये मौका तो देते, इन्होंने तोड़ के चले जाना है। किसी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो कौन जिम्मेदार होगा? मालिक है नहीं दुकान, किराया है नहीं चला। ये कौंसलर जो करवा रही है, ये कौंसलर जानबूझ के करवा रही है, कौंसलर के घर जाके देखे, उसने पूरी जगह घेरे की है। कोई लंगर करवाता है वो लंगर को बंद करवाती है, वहाँ से पैसे लेती है कौंसलर। उसका जो चाचा था पहले वो पैसे लेता था, उसको नहीं दिए तो फिर दूसरे वाला लड़ाई करने गया, आपस में दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, वो कह रहा पैसे मैं लूंगा। उसका पहले चाचा था दलीप, वो पप्पू था उसका भाई, आपस में था, वो पैसों के चक्कर में फटके बल्ली लेके फटके बल्ली उठवा दिए, फिर वहाँ लंगर चलाया उन्होंने, चल उनका लंगर भी उठवा दिया और अपनी मनमानी करी। अब जहाँ जो काम नहीं होना जबरदस्ती अपने काम करवाती है। मतलब आपका कहना है कि ये नाजायज किया गया? इससे पहले बहुत कौंसलर रह चुके हैं, किसी ने कोई अपनी दादागिरी नहीं करी, ये अपनी दादागिरी कर रही है, अपना धक्काशाही कर रही है कौंसलर। इसको पता भी मेरा इस बारी है, आगे तो चांस है नहीं है, तो जो करना भी कर लो, जो बटोरना बटोर लो, और नोटिस दे सबको दे नोटिस, क्या उससे हटाते, ये कौंसलर ने जान बूझ के करवाया है। आपको कोई सूचना नहीं थी? आपके कोई पता ही नहीं किसी को, नोटिस ही नहीं, सो के उसके आ रहे हैं यहाँ, गाड़ियाँ तोड़ने में लगी भी है, और जो कौंसलर थी वो भी बता सकती थी यहाँ पे, प्रशासन के द्वारा एक चिट्ठी दी जाती है यहाँ ठीक है, ये सब ये कौंसलर कई बार से लगी भी है, काफी टाइम से चिट्ठी है भाई, इसको यहाँ से पैसा चाहिए इकट्ठा करने के लिए। इससे पहले जो कौंसलर है उन्होंने क्यों नहीं करा था? वो भी तो कौंसलर थे, वो भी तो रह के गए, उन्हें भी पता कोई गरीब आदमी फड़ी वाला कमा रहा है या कोई रोजगार चल रहा है, तो उस तरह धक्के साहित नहीं, पहले सूचना तो दी जाती है। अब उसको यह भी उसको कोई पूछता है नहीं है, वो सोच रही इस तरह मैं अपनी दादागिरी करूँ, उसके वहाँ जाके भी देख सकते हैं किस तरह उसने घेर रखा है, पूरे का पूरा लंगर चलाते लंगर उठवा देती है, वो जाके देखो उसका। नमस्कार भरत जी। नमस्कार जी। सर, आज की ड्राइव जो चली है राम दरबार में, क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज की ड्राइव है नगर निगम या प्रशासन के द्वारा चलाई गई है, बिल्कुल ही ठीक नहीं है, गलत है। प्रशासन को, नगर निगम को, इन लोगों को कुछ दिन का नोटिस देना चाहिए था। त्यौहार के टाइम पे ये सब करना, गरीबों का मतलब नुकसान करना, हमारी सरकार सोचते हैं कि हर गरीब का पेट भरे, हर गरीब के हाथ में काम हो, वेंडर का इतना हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने त्यौहार के टाइम एक जो ड्राइव चलाई है बहुत गलत किया, बिना नोटिस के चलाई जा रही है और लोगों का बहुत नुकसान किया है। कुछ दुकानदार भड़के हुए हैं कि हमारे बिना पूछे अंदर ही उन्होंने शीशे तोड़ दिए हैं, कुछ उनका जानी मानी नुकसान हुआ है, और पार्षद मौजूदा पार्षद के खिलाफ भी कुछ बोल रहे हैं, भड़के हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, ये ड्राइव बिल्कुल गलत है, दुकानों के ताले लगे हुए हैं तो भी ये जबरदस्ती उनका नुकसान कर रहे हैं, शटर तोड़ दे रहे हैं, जो अंदर सामान है वो तोड़ दे रहे हैं, अरे बिल्कुल सही है ये जो कम्प्लेट जो ड्राइव चलाई गई है, जो हमारी मौजूदा पास है नया मुसावत, उसके कहने पर चलाई जा रही है, क्योंकि बार बार यहाँ के लोगों के बारे में वो लिख के दे रही थी, जिसका आज ये कहने पे ड्राइव चली है। कहना जा रहा है MC द्वारा कि 30-40 साल पुराना कब्जा था जो आज हटाया गया है, उस बारे में वो भी तोड़ दिया, जो यहाँ पर खाली जगह पे जो अवैध कब्जा था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चलो, वो तो दुकानें थी वो अलग,
अब मैं अगर आपको कहूँ कि हमारा जो शहर चंडीगढ़ बना था 15 लाख लोग 5 लाख लोगों के लिए बना है और आज लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। जब एक जरूर से ज़्यादा चीज़ आएगी तो हल्की फुल्की इंक्रीमेंट तो होगी, अगर है तो प्रशासन उसे आगे हटाए ना, नोटिस दे, सख्ती करे। ये थोड़ी कि बिना बताए आए और उनका जो लाखों का सामान उठा के ले जाए, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा चीज़ को ले। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।